ना पूछेंगे, राफेल की फाइल जला दी गई उस पर हम सरकार से सवाल ना पूछेंगे, स्टेशन बेच दिए गए उस पर हम सरकार से सवाल ना पूछेंगे, बैंक बेच दिए गए उस पर सरकार से सवाल ना पूछेंगे, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए उस पर सरकार से सवाल ना पूछेंगे, एयरपोर्ट बेच दिए गए सरकार से सवाल ना पूछेंगे, तो ऐसे गंदे लोगों का करना क्या है जो भारतीय जनता और अर्धसत्य जो है फैलाया जा रहा है पूरे मीडिया में। मीडिया जो है बकलोली कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जिस मीडिया ने दलाली खाई हो, असली बात यह है इंडिया जो गठबंधन है वो पूरे देश की आवाज है। इस इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत अगर मिला दिया जाए तो वो बीजेपी से ज्यादा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के गोदी मीडिया का वो रंडियापा, जो रंडियापा वो कर रहे हैं अपने मीडिया चैनल और राष्ट्रीय चैनलों के थ्रू। जैसे ही 14 पत्रकारों पर और चैनलों पर प्रतिबंध लगाया इंडिया ने, वैसे ही सब जो है छाती फाड़ फाड़ करके विधवा विलाप करने लगे। सब ये आरोप लगाने लगे कि इन्होंने तो आपातकाल जो था विपक्ष ने लगा दिया, विपक्ष ने तो जो है हमारा बहिष्कार कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। परेशानी इस बात को लेकर के है कि अभी इन्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे इन सरकारों से, तो परेशानी इसी बात की हो रही है। और इसमें सबसे अच्छी प्रतिक्रिया आती है गुल्लू भाई साहब की। गुल्लू भाई साहब को तो आप जानते ही हैं कि दुनिया भर की बकवास पेलते रहते थे अपने उस पर प्रधानमंत्री मोदी के, मतलब एक क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन होने की तरह। जितने 14 लोगों पर लगाई गई है रोक, वो भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो थे प्रचार करते थे। जब इन पर रोक लगाई तो अनुराग ठाकुर का मतलब क्या, अनुराग ठाकुर का बयान आता है, शर्म, अरे कांग्रेसियों को तो शर्म आती है सनातन धर्म से। बाबा साहब अंबेडकर का दिए हुए सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म, तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अभी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। हम सबके पूर्वज यहीं से ही हैं। मुगल आए आकर चले गए, मुगलों ने भी सपना देखा था सनातन को खत्म करने का। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर। अनुराग ठाकुर का बयान आता है आज इसी बात को लेकर के, लेकिन मेरे सवाल कुछ और हैं। जब रविश कुमार एनडीटीवी में थे तब कोई बीजेपी प्रवक्ता रविश कुमार के सामने क्यों नहीं आता था? तब क्या आपातकाल नहीं था? अब ताजा खबरें माने तो अजीत अंजुम सवाल उठाते हैं कि भाई संदीप चौधरी की बहसों में एबीपी न्यूज में कोई बीजेपी पत्रकार, मतलब बीजेपी नेता क्यों नहीं आता? भाई सवाल अपनी जगह रह गए हैं और अर्धसत्य जो है फैलाया जा रहा है पूरे मीडिया में। मीडिया जो है बकलोली कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जिस मीडिया ने दलाली खाई हो और जिनको दलाली इस बात की दी गई हो कि आपको विपक्ष को बदनाम करना है, सिर्फ विपक्ष को, आपको लोगों से ताल्लुक रखती हुई खबरें नहीं दिखानी है, अदानी के करप्शन और खबरें नहीं दिखानी है। जो लोग ये पहले से तय कर चुके हों कि अदानी पर खबर नहीं दिखाएंगे, राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया संसद से उस पर हम सरकार से सवाल ना पूछेंगे, राफेल की फाइल जला दी गई उस पर हम सरकार से सवाल ना पूछेंगे, स्टेशन बेच दिए गए उस पर हम सरकार से सवाल ना पूछेंगे, बैंक बेच दिए गए उस पर सरकार से सवाल ना पूछेंगे, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए उस पर सरकार से सवाल ना पूछेंगे, एयरपोर्ट बेच दिए गए सरकार से सवाल ना पूछेंगे, तो ऐसे गंदे लोगों का करना क्या है जो भारतीय जनता पार्टी की, मतलब चरण चुंबन में लगे हुए थे। तो इंडिया ने जो फैसला लिया उसका असर आने लगा है और अपनी अपनी सफाई देते हुए प्रतीत होते हैं। गुल्लू भाई की सफाई दे रहे हैं, भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो देश के प्रति वो चलाई है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मोदी जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, बीजेपी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है हिंदुस्तान की जनता के बीच, क्योंकि अधिकतर सर्वे किया गया कि अधिकतर हिंदुस्तान की जनता सोचती है कि जो भी खबरें चलाई जाती हैं वो सरकार के हिसाब से चलाई जाती हैं नेशनल टीवी पर, और कुछ चैनल हैं जो एजेंडा लेके चलते हैं जिसमें सुधीर चौधरी हुदरी और ये सब शामिल हैं। जब जनता के अंदर ऐसी नियति बन गई है
तो इंडिया ने अगर ऐसा निर्णय ले लिया कि इन 14 चैनलों पे जाना ही नहीं है, प्रवक्ता को भेजना नहीं है, तो गुल्लू भाई को परेशानी क्या हो रही है? सफाई देते घूम रहे हैं और इतना परेशान है, इतने हैरान है। कभी बोलते हैं मैंने तो अखिलेश यादव को बुलाया, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू किया। भाई अगर तुम दलाल ना होते, अगर तुम भाजपा के स्पोक पर्सन ना होते तो आज ये नौबत क्यों आती? रूबे का लियाकत हो, आज तक की अंजना कश्यप हो, और जो 14 पत्रकार हैं वो ही रंडी रुडियापा करते फिर रहे हैं। सुशांत सिन्हा भी उसमें शामिल है। सुशांत सिन्हा बोलते मतलब ट्विटर पर कि जो है मैं तो किसी को वैसे बुलाता नहीं हूं, ये और वो और दिमकाना, मेरा नाम क्यों ले दिया यहां पे? असली बात यह है कि इंडिया जो गठबंधन है वो पूरे देश की आवाज है। इस इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत अगर मिला दिया जाए तो वो बीजेपी से ज्यादा है, इसलिए घबराहट होने लगी है नेशनल मीडिया को। लेकिन गुल्लू भैया जो थे, गुल्लू भैया क्यों गुलफाम हो रहे थे, इनकी ये सफाई सुन लीजिए। देश का सबसे विश्वसनीय कार्यक्रम है, लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करने से पहले आपके साथ एक बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी संवाद करना चाहता हूं, या फिर कहूं तो एक विश्लेषण करना चाहता हूं। एक बैन किया गया है, उस बैन का विश्लेषण। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? और क्या सनातन धर्म को खत्म करने के एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश करना गलत है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद, या फिर कहें तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था, जब 1975 में कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी विचारधाराओं की तिलांजलि देकर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने एक लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में देश के 5 बड़े मीडिया नेटवर्क्स का नाम आया है, और इसमें नेटवर्क 18 है, टाइम्स ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप है, रिपब्लिक टीवी है, इंडिया टीवी है, और कुल मिलाकर 14 पत्रकार है जिसमें संपादक है यानी एडिटर इन चीफ से लेकर एडिटर तक और मैनेजिंग एडिटर तक शामिल है। इन्हें इस इंडिया अलायंस ने बैन कर दिया है, यानी विपक्षी दलों के प्रवक्ता अब इन एंकर्स के शो में शामिल नहीं होंगे, इनके कार्यक्रमों में नहीं भाग लेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके सीधे और तीखे सवालों ने इस गठबंधन को परेशान कर दिया, इन लोगों ने उनसे पीछा छुड़ाने का एक प्रयास किया है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि जनता के सवाल कम नहीं होंगे। जो हम सवाल पूछते हैं वो जनता के सवाल है। मैं जनके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देश हित में सवाल पूछना ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा। ताउम्र तक मैं देश की जनता की आवाज बनकर सवाल पूछता रहूंगा, जैसे हमेशा पूछता आया हूं। विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को आर पार में हमेशा बराबर का, या फिर कहें तो कभी कभार ज्यादा ही समय मिला। कई मौकों पर उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, गालियां तक दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया, यहां तक कि चैनल को, हमारे ग्रुप को टारगेट किया गया। लेकिन मेरा धर्म ही मेरा कर्म था, मैं सदैव कहता हूं, मैं सारा विष पीकर हमेशा आपके सरोकार की बातें, यानी जनता के सरोकार की बातें आप तक, यानी व्यूअर्स आप तक पहुंचाता रहा। क्योंकि इससे पहले भी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, गुलाम नबी आजाद हो, राशिद अलवी हो, राघव चड्ढा हो, सलमान खुर्शीद हो, पवन खेड़ा हो, कांग्रेस के कई प्रवक्ता हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, रोहन गुप्ता हो, आलोक शर्मा हो, सब लोग हो, अनुराग भदौरिया हो, सब आप मेरे कार्यक्रम में देखते थे।
लेकिन इन सबको आवाज इसी कार्यक्रम के जरिए मिलती रही। कई तो प्रवक्ता इस कार्यक्रम में लॉन्च भी हुए और ये आवाज मैं आप तक पहुंचाता था। तुम खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, अब अखिलेश यादव को सुनिए। जब उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्या बोला था? अखिलेश जी, इस सत्र का नाम हमने रखा है साइकिल की सवारी किस पर भारी। 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहला इंटरव्यू, ये इनकी सफाई आपने सुन ली होगी और इनकी सफाई सुनने के बाद आप फैसला कीजिए कि ये जो बोल रहे भाई, जब रवीश कुमार का बीजेपी वाले पत्रकार, मतलब बीजेपी के नेता, मतलब एक तरह से बहिष्कार कर देते हैं, उनकी डिबेट्स में नहीं आते, संदीप चौधरी की डिबेट्स में नहीं आते, तो बताइए कि किसने शुरुआत की थी? तो इंडिया पर इल्जाम तो मत लगाइए। एनडीटीवी में रवीश कुमार ने तो कभी सफाई नहीं दी, या फिर संदीप चौधरी ने तो कभी सफाई नहीं दी कि मैं देश की बातें दिखाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं आतंकवादियों के खिलाफ ये करता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिमकाना करता हूँ। मतलब आपकी नजरों में विपक्ष आतंकवादी है, विपक्ष देश का गद्दार है, तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में गिल्लो भैया, ऐसे नहीं बोला जाता कि मतलब कुछ भी। लेकिन 100 बात की एक बात मैं बोलना चाहूंगा। नेशनल वो बोलते हैं ना, एक तोल नानी अदनानी साहब हैं, पता नहीं कौन से साहब हैं, 100 बात की एक बात, ये बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन के बहिष्कार से सारा चाटुकार गोदी मीडिया बहुत परेशानी में घिर गया है। शायद इसीलिए अपनी बेचैनी उल्टे सीधे बयान डालकर दे रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।